हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी और जिसका नाम है स्प्राउट्स। जी हाँ, स्प्राउट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये मैंने तीन तरह के लिए हैं स्प्राउट्स। एक मैंने ये वाइट चना लिया है, साथ में मूंग दाल ली है और मैंने साथ में लिए हैं मोठ, और इनको मैंने अंकुरित कर लिया था। कल मैंने इनको भिगोया था और सुबह तक ये इनके स्प्राउट्स इतने लंबे आ गए हैं। और साथ में ही मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी प्याज। ये मैंने छोटा सा एक प्याज काटा है बारीक, और साथ में मैंने ये ग्रीन चटनी ली है। ये धनिया की चटनी है, ये मैंने घर पे ही तैयार करी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ये ऑलरेडी हमारे चैनल में है। और साथ में मैं यूज़ करूँगी इमली की चटनी। ये इमली की चटनी भी मैंने घर पे ही तैयार करी है, तो इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी हमारे चैनल में है। बाकी इनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्प्राउट्स बनाना। स्प्राउट्स में मैं डाल दूंगी प्याज, अब इसमें डालूंगी मैं ये हरी चटनी, अब मैं डालूंगी इमली की चटनी, सिर्फ एक चम्मच डालूंगी मैं। हरी चटनी का टेस्ट है उसको बैलेंस करने के लिए उसमें मिर्ची है, मिर्ची का टेस्ट को बैलेंस करने के लिए ये मैंने इमली की चटनी डाली है। उससे टेस्ट में भी बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें नमक मिर्च मैं एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि दोनों चटनियों में ये दोनों चीज़ें पहले से हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो चुके हैं हमारे हेल्दी स्प्राउट्स। तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है तो आप भी एक बार ये जरूर ट्राई कीजिएगा स्प्राउट की रेसिपी को। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तैयार हो चुके हैं हमारे स्प्राउट्स। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपके स्प्राउट्स की रेसिपी कैसी बनी है। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।